तो एक बार की बात है, एक पार्क में एक बुजुर्ग आदमी एक बच्चे को देखता है जो कुछ रो रहा होता है। तो वो बुजुर्ग आदमी उस लड़के के पास जाके पूछते हैं कि क्या हुआ, दुखी क्यों हो? तो वो लड़का जवाब देता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेहनत कर लूँ, मुझे सेल्फ डाउट रहता है, मैं ये सेल्फ डाउट हटाना चाहता हूँ, मैं सेल्फ डाउट को हटाने के लिए क्या करूँ? तो बुजुर्ग आदमी उसको एक कहानी सुनाता है। वो उसको एक कहानी सुनाता है कि एक बार की बात है कि अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव वैज्ञानिक पानी में एक बड़े से टैंक में एक शार्क को डाल देता है। कुछ देर बाद उसमें वो चार मछलियां भी डाल देता है। चार मछलियों को देखकर शार्क तुरंत तैरकर उनके पास जाती है और उनको खा लेती है, उनको अपना शिकार बना लेती है। तो समुद्री जीव वैज्ञानिक चार मछलियां और डाल देता है टैंक में और वो शार्क वैसे ही अपना आहार बना लेती है। अब समुद्र जीव वैज्ञानिक जो होता है वो एक कांच का मजबूत सा पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच लगा देता है। अब टैंक दो भागों में डिवाइड हो चुका है, एक भाग में शार्क है और दूसरे भाग में चार मछलियां हैं जो उसने छोड़ी है। तो विभाजक पारदर्शी जो कांच होता है उससे शार्क देख सकती है कि मछलियां तैर रही है, तो वो उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, सोचता है कि मैं अपना आहार बना लूं, मेरा डिनर आ गया, मैं उसकी तरफ जाता हूं। लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि कांच बीच में जाता है, वो कितनी कोशिश कर लेता है बार बार कांच टकरा जाता है और वो नहीं जा पाता। ऐसे वो बहुत दिन तक कोशिश करता रहता है कि कभी उसको जाके क्रॉस करके मछलियों को खा ले, बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो कुछ दिन बाद जो शार्क होता है अपने पूरी जब जान लगा चुका होता है थक हार के, वो हार मान लेता है। वो कहता है कि यार अब मेरे से नहीं होगा, आई गिव अप। तो शार्क फिर उनको हमला नहीं करता। कुछ दिन बाद जब समुद्री वैज्ञानिक उस टैंक में से कांच का विभाजन हटा देता है तब वो देखता है शार्क जो है मछली उनको पर हमला फिर भी नहीं करती है, क्योंकि वो काल्पनिक है, काल्पनिक विभाजन में उसके दिमाग में बस चुकी है कि अभी भी यार वो काल्पनिक दीवार जो है वो अभी भी मेरे सामने खड़ी है और मैं नहीं जा सकता, मैं कितनी कोशिश करूँ मैं नहीं जा सकता। तो उस समय क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से इतना टूट जाते हैं कि हार मान लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम भी कोशिश करना छोड़ देते हैं। जबकि सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा परिस्थितियों को अनुकूल हमें प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी।